हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 25th of July 2022। तो 25 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जो लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो पेशेंस बनाए रखें, आपको कंटेंट पसंद आएगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको कंटेंट पसंद ज़रूर आएगा। और जो लोग पहले से हैं और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर किया करिए, उससे हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है ना। तो दैट इज़ ऑल आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड। और 2023 के लिए हमने UPSC का प्रीलिम्स कोर्स भी स्टार्ट किया, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने वीडियोज़ रिकॉर्डेड हैं और अभी लाइव क्लासेस जो होंगी वो आप एक्सेस कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ प्रीलिम्स के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सबसे पहला सवाल है, अंडर बुद्धिज्म अभय मुद्रा इंडिकेट्स, अभय मुद्रा इनमें से क्या इंडिकेट करती है बुद्धिज्म के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। बी है टू इन्वोक अर्थ एज अ विटनेस टू द ट्रुथ। सी है जेस्चर्स ऑफ थ्रेट एंड वार्निंग, या डी है जेस्चर ऑफ चैरिटी। क्वेश्चन नंबर टू है ब्लैक होल ट्रेजेडीज एसोसिएटेड विद, ब्लैक होल ट्रेजेडी इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शंस आर ए बैटल ऑफ बक्सर, बी एंग्लो मराठा वॉर, सी बैटल ऑफ प्लासी, या डी कार्नेटिक वॉर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इनमें से कौन कौन से हैं। पहला है हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स, सेकेंड है हेलॉन्स, थर्ड है मिथाइल ब्रोमाइड, फोर्थ है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड फिफ्थ है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। आपको करेक्ट कोड बताना है, ऑल एक्सेप्ट थ्री, ऑल एक्सेप्ट फोर, ऑल एक्सेप्ट फाइव, या ऑल ऑफ द अबव। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस, आई होप यू विल ट्राई टू आंसर वन बाय वन। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो था अभय मुद्रा इनमें से किसको इंडिकेट करती है। तो याद रखिएगा, अभय मुद्रा जो है वो इंडिकेट करती है जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। किसको इंडिकेट करती है, जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। दिस इज वॉट द अभय मुद्रा इज। तो वो अलग अलग मुद्राएं होती हैं, अभय मुद्रा है, फिर अभय मुद्रा तो सिंपल सी आपको जिसमें गौतम बुद्ध बैठे हैं और अपने राइट हैंड को वो सामने करके रखते हैं ना, जिसमें उन्होंने इंडेक्स फिंगर को थम से मिला लेते हैं, है ना, इंडेक्स फिंगर को थम से मिला लेते हैं, और दैट बेसिकली इज़ द अभय मुद्रा। याद रखिएगा, उसको ही अभय मुद्रा बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ जेस्चर ऑफ, अभय मुद्रा इज़ अ जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। और इसी को कई बार जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस भी बोलते हैं, कि जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस है, हाँ वो भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे एसोसिएटेड है, ये बैटल ऑफ प्लासी से एसोसिएटेड है, ब्लैक होल ट्रेजेडी बैटल ऑफ प्लासी से। तो ये तो आसान सवाल था, एंड तीसरा सवाल भी आसान है, सारे के सारे ही आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज में आते हैं। All of the above are the correct answer, ठीक है ना। I hope you got clarity regarding these questions. आगे मूव करते हैं, मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है, डज इंडिया नीड अ बेल एक्ट, अलग से सेपरेट बेल एक्ट की जरूरत है क्या इंडिया को। What are the other prison reforms needed, कौन कौन से दूसरे prison reforms की ज़रूरत है भारत को। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। और आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो है CSAT का क्वेश्चन। कल आप लोगों ने CSAT का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब दिस मेथड ऑफ गिविंग योर CSAT क्वेश्चन इज वर्थ और नॉट, ये भी बताइएगा, तभी मैं आपको देता रहूँ। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है तो आप बता दीजिए, है ना। तो लेट सी टूडेज क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, सीरीज़ का क्वेश्चन है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं देयर इज़ अ सीरीज़ गिवन एंड इसमें कोई पैटर्न है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर वहाँ फिट बैठेगा, ताकि जो पैटर्न है वो किसी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडे। ये सीरीज़ है आपके सामने और ये आपके चार ऑप्शंस रहेंगे। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की, नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड है। जैवलिन थ्रो में के फाइनल में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि यूजीन ओरेगॉन US में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन ओरेगॉन, और ये आपका US में है, वहाँ पर 88.13 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि सेकेंड प्लेस इन्होंने जीता। याद रखिएगा, कौन सा कंपटीशन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये जो मेडल है, सिल्वर मेडल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज़ अ थिंग।
इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि लास्ट जो मेडल था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, वो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था और ये जीता था इन्होंने पेरिस में 2003 पेरिस में 2003 में जीता था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो उन्होंने जीता था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल 2003 में, और दैट वॉज इन पेरिस। लॉन्ग जंप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो इवेंट था वो लॉन्ग जंप था, ठीक है ना। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये 2003 का पूरा डिटेल हो गया। और जेवलिन थ्रो 2022 नीरज चोपड़ा और 88.13 के साथ सिल्वर जीता है इन्होंने, ठीक है ना। 2003 का भी ज़रूर याद रखना, अंजू बॉबी जॉर्ज और पेरिस, और 2003 लॉन्ग जंप का इवेंट था, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। हाई अलर्ट एज दिल्ली रिपोर्ट्स द मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स का पहला केस जो है वो आपके दिल्ली में रिपोर्ट किया गया है। सो दिस क्रिएट सम पैनिक, बट ठीक है, अच्छे से ही रहना है सब लोगों को। बस मेरा मेन चीज़ ये कहना है कि आप लोग अपना प्रोटेक्शन जो भी है वो मेंटेन करके रखिए, दूसरों जो थोड़ा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि टच और इन सब चीज़ों से ही फैलता है ये बीमारी भी, है ना। तो हैव सम डिस्टेंस विद अदर्स एंड मास्क वास्क लगाना फिर से शुरू कर दो, कोई इसमें वो नहीं है, है ना। दोबारा लगाओ जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग। और मंकी पॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहला जो केस था वो 1950s में मंकीज़ में देखा गया था, इसलिए इसको मंकी पॉक्स रखा गया ना। और 1970 में ये फिर इंसानों में अफ्रीका वाले रीजन में पाया गया, है ना। ऑर्थोपॉक्स जो वायरस फैमिली होती है, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से। और कोई ऐसा इसका ऐसे कोई ट्रीटमेंट अभी तक बना नहीं है, ठीक है ना। और इसको स्प्रेड होने का जो कारण है वो फ्लूइड है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, और मेनली एयरबॉर्न है, ठीक है ना। मेनली एयरबॉर्न फ्लूइड्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, और मेनली एयरबॉर्न है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा डेजिग्नेटेड ट्रीटमेंट इसका अभी तक नहीं आया है मंकी पॉक्स का, और कल WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है, PHEIC। मैंने आपको पहले भी कहा था कि PHEIC को अलग से भी याद करके रखना, क्योंकि UPSC क्या करेगा, आपसे सिर्फ यही पूछ लेगा कि किस बॉडी से संबंधित है, किससे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज जो है वो आपकी याद रखेगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा, मैंने शायद बोल दिया एयरबॉर्न है, मंकी पॉक्स एयरबॉर्न नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि मंकी पॉक्स इज़ नॉट एयरबॉर्न, मेक दैट करेक्शन। हाँ, इसका जो फैलने का तरीका है वो फ्लूइड्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से है, फ्लूइड्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से है मेनली। सो दैट इज़ द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। लेकिन एयरबॉर्न है कि नहीं देखो, क्या अभी तो नहीं है, बहुत जल्दी कुछ लोग डिक्लेयर कर देंगे कि ये इवॉल्व हो गया अब एयरबॉर्न भी, इसलिए इसको ज़्यादा वो मत दो। लेकिन हाँ ठीक है, इसको अभी के लिए याद रखना कि ये फ्लूइड्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, इट्स नॉट एयरबॉर्न एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गोदावरी रिवर की बात चल रही है, तो आंध्र प्रदेश अलर्ट पे है, क्योंकि गोदावरी रिवर का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे गोदावरी का मेजरली हम गोदावरी का देख लें, गोदावरी का जो ओरिजिन है वो नासिक त्र्यंबकेश्वर से होता है ना, त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक एंड महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन है। और लेंथ इसकी लगभग 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर तक ये फ्लो करती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, ठीक है ना। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के। ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट है जो गोदावरी कवर करती है, महाराष्ट्र हो गई, तेलंगाना हो गई, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और बहुत छोटे छोटे पार्ट कुछ मध्य प्रदेश के हो गए, कर्नाटका के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, तो ये भी कवर करती है और उसके बाद जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं मेनली वो हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर एंड सबरी। कौन कौन सी नदियां हैं जो कि गोदावरी की आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, ये लिख लेना, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता। प्राणहिता एक्चुअली में कंबाइंड होता है वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा का। जब वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राणहिता। और इंद्रावती, मानेर और सबरी, याद रखिएगा, इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं आपके किसकी, गोदावरी की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, और प्राणहिता बोलते हैं हम वेनगंगा, पेनगंगा, वारधा के कॉम्बिनेशन को। इसके अलावा इंद्रावती, मानेर और सबरी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
विंड पावर रेट्स में बॉटम आउट। अब यहाँ पे सेंटर ने डिसाइड किया कि वो रिवर्स ऑक्शनिंग जो है विंड एनर्जी के केस में उसको नहीं करेंगे। रिवर्स ऑक्शनिंग, रिवर्स ऑक्शन का क्या मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन का मतलब देखो क्या होता है, सपोज करो ये एक बायर है, सो दिस इज अ बायर। अब ये अलग अलग सप्लायर्स होंगे, दीज आर डिफरेंट सप्लायर्स। सपोज करो ये सप्लायर वन है, ये सप्लायर टू है, ये सप्लायर थ्री है, ये सप्लायर फोर है। देने वाले तो बहुत सारे हैं, लेने वाला सपोज करो एक है कोई, बायर वन। अब ये क्या करें, सप्लायर वन क्या करते हैं, गवर्नमेंट की प्रोसेस क्या होती है वो बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट क्या करता है, सप्लायर वन से कोटेशन मंगाता है, सप्लायर टू से कोटेशन मंगाता है, सप्लायर थ्री से कोटेशन मंगाता है, सप्लायर फोर से कोटेशन मंगाता है। नाउ सपोज करो सप्लायर वन बोलता है कि मैं ये चीज़ आपको 100 रुपये में दे दूंगा, सप्लायर टू बोलता है ये 120 रुपये में, 150 रुपये में दे दूंगा, सप्लायर थ्री बोलता है कि 200 रुपये में दे दूंगा, और सप्लायर फोर बोलता है 220 रुपये में दे दूंगा। अब जो सबसे कम रुपये में दे रहा है, सपोज करो यहाँ पे सबसे कम में सप्लायर वन दे रहा था 100 रुपये में, तो सप्लायर वन से फिर खरीदेगा गवर्नमेंट। ये कहलाती है प्रोसेस रिवर्स ऑक्शन की प्रोसेस, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑक्शन, यही होता है रिवर्स ऑक्शन, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जब सबसे कम रेट पे जब सप्लायर से खरीदा जाए ना, तो उसको रिवर्स ऑक्शन होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स ऑक्शन के चलते क्या है, बिल्कुल लेस कॉम्पिटिटिव प्राइजेस आ चुके हैं। अगर आप इनफैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि पर यूनिट अगर हम सोलार पावर का कॉस्ट देखें, तो पर यूनिट सोलार पावर का कॉस्ट 2.40 रुपीज़ आ रहा है, मतलब 2.5 रुपये से भी कम आ रहा है एक यूनिट सोलार पावर का, जो कि इसका रियल प्राइस नहीं होना चाहिए। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इतनी सस्ती भी नहीं हो सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो उनका ये कहना है कि चूंकि हम रिवर्स ऑक्शन और ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसलिए जो प्राइजेस हैं और प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए प्राइजेस बिल्कुल कम होती जा रही हैं। इनफैक्ट प्राइजेस जो हैं कि जो अपने असली लेवल से भी कम होती जा रही, जो इतनी होनी चाहिए उससे भी कम होती जा रही है। सो बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग, एंड इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो स्टॉप करेगा ये प्रोसेस जो है रिवर्स ऑक्शनिंग की। इसके अलावा यही बता दूं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 60,000 मेगावाट तक की विंड पावर वो एस्टेब्लिश कर लेंगे बाय 2022 तक 60,000 मेगावाट तक की पावर वो एस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अभी इसका 2/3 टारगेट ही पूरा हुआ है, पूरा टारगेट नहीं हुआ है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम एडिटोरियल पार्ट में। पहला जो एडिटोरियल है वो है वेइंग इन ऑन इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल। अब यहाँ पर बात चल रही है इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल की। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली कहा है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो तभी होगा जब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और उनका ये मानना है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो वो क्राउड इन करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, मतलब कि और ज़्यादा पुल करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तभी इकॉनमी रिवाइव होगी। मतलब पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो और उससे फिर रिवाइवल मिलेगा किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तब ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्री में बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि जब 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, 1997 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट, तो उसने भी यही कहा था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और नए नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा कि जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनको हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क से जोड़ने का था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने स्टार्ट की थी, 2000 में ही स्टार्ट की थी, टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की थी 2000 में। और इसके बाद फिर देखा गया था कि इसका जो मतलब इम्पैक्ट है वो जीडीपी में भी देखने को मिला था, डबल डिजिट की ग्रोथ हमको 2004 तक मिलना शुरू हो गई थी, है ना। और वही चीज़ उन्होंने, ऑथर ने बताई कि जो इन्वेस्टमेंट है एट प्रेजेंट, आज का जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कि अगर आज के इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को हम देखें तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो फिक्स्ड कैपिटल में हुआ है, है ना, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ही हुआ है ज़्यादातर, जैसे मशीनरी होगी, टूल्स होगी, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल में हुआ है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट की तरफ से ज़्यादा आ नहीं रहा है, अभी भी प्राइवेट की तरफ से ज़्यादा नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट ने भी जो बीच में फिस्कल कंसोलिडेशन करने की बात करी थी, याद है आपको, गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कहता था। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, प्रूनिंग करेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, थोड़ा उसको प्रून करेगी, थोड़ा उसको रेशनल तरीके से खर्च करेगी। अब ऑथर ने कहा कि देखो
आप सारी चीज़ें कर लो, लेकिन दो तीन जो इश्यूज हैं मेजरली वो पहले आपको सॉल्व करने होंगे। सबसे पहला इशू ऑथर ने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के केस में कहा है। ऑथर ने एक टेबल बना करके रखी और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट देखो तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 8% से 6%, पहले 8% फिर अब 12% तक आ गया है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ता गया है। तो ऑथर ने कहा कि देखो कुछ ही सेक्टर्स जो गवर्नमेंट जो है दे आर टारगेटिंग only few of the sectors, है ना, what they are doing is that they are targeting only few of the sectors और इन्हीं sectors में एक balance नहीं बना करके रख रहा government। मतलब कि government को क्या चाहिए कि अगर उनके पास तीन sectors हैं, यानी कि primary है, secondary है and tertiary है, जिसमें फिर आपका services sector आता है, ठीक है ना। तो author ने कहा कि देखो service sector में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, वहीं पर जो primary sectors में बिल्कुल घटता जा रहा है, agriculture वाले sector में, secondary sector manufacturing में भी आपको घटा हुआ दिखेगा। तो author ने कहा कि देखो इसमें आपको एक balance बना करके चलना पड़ेगा, जब भी आप कैपिटल फॉर्मेशन करो या इन्वेस्टमेंट करो तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस इन ऑल द सेक्टर्स, आपको सभी सेक्टर्स में एक बैलेंस बना करके चलना होगा। दैट इज फर्स्ट सजेशन व्हिच द ऑथर इज गिविंग। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ ही अगर एक सेक्टर प्रोडक्टिव है दूसरा नहीं प्रोडक्टिव है तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव में इन्वेस्ट करोगे, नॉन प्रोडक्टिव को छोड़ दोगे। यू कैन नॉट डू दिस थिंग, है ना। दूसरा ऑथर ने कहा है कि भैया आपको अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना पड़ेगा, ये आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां से आप फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग्स, या फिर कहना चाहिए जो फर्टिलाइजर्स हो गए और बहुत सारे कैपिटल गुड्स हो गए, ये आप जाके चाइना से ले रहे हो, तो फिर इसमें फिर आत्मनिर्भर भारत और ये सब चीज़ों का योगदान कहाँ रह जाएगा, मतलब वो कहाँ यूज़ आएंगे। तो सेकंड थिंग जो आपको सुधारने की ज़रूरत है वो है आपको इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम करने की ज़रूरत है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी को आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, एंड स्पेशली जो ऐसी कंट्रीज़ में आप डिपेंडेंट हैं, चाइना वाइना, इनमें से बिल्कुल आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ऑथर ने यह भी कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका कम होता जा रहा है। आपको भैया आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में करो ना, मेक इन इंडिया अगर आप करना है तो आप इस तरह की चीज़ों में करो ना कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल आप अपनी कंट्री में ग्रो करो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ऑथर ने कहा कि भैया पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, और कोशिश ये भी करनी है कि आप बजटरी जो उसमें है आप सबको बराबर का हिस्सा दीजिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो थोड़ा सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूर पुश मिलेगा। सो दैट इज अगेन अ गुड मेथड, है ना। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दो, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो, ये सारी चीजों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश करो। अगला जो इशू है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 के ऊपर। आप सबको पता होगा कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 जो है वो WTO से रिलेटेड है। याद रखिएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, WTO से रिलेटेड है। और ऑथर का ये कहना है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस बार जो जीत हुई है कहना चाहिए वो EU की हुई है, ठीक है ना। वो किसकी हुई है, वो EU की जीत हुई है, वो इसमें इंडिया और जो बाकी कंट्रीज हैं वो नहीं जीत पाई हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ वन थिंग विच वॉज सेड बाय दिस ऑथर, ठीक है ना। अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 जो है आप सबको पता होगा कि ये WTO के हेडक्वार्टर यानी कि जनेवा में ही हुआ था, है ना। दिस वॉज इन जनेवा ओनली। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो WTO की सबसे बड़ी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना। अब ऑथर ने मेजरली जो दो इश्यूज उठाए वो ये उठाए कि EU भैया अपनी हर बात मनवा ले रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, ऑथर ने एग्जांपल दिया यहाँ पे जो वेवर होने थे, मतलब कि जो कोविड को लेकर के वेवर की बात कही थी। ऑथर ने सबसे पहले बताया कि भैया इंडिया और अफ्रीका जो है उसने कहा था कि आप कोविड रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं, कोविड रिलेटेड जितने भी मशीनरी है, कोविड रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सब में वेवर करो, है ना। सबके वेवर की बात थी ना, सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि केवल उस वैक्सीन बस में कर दो। भाई दवाई है, मास्क है, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, उनमें कौन करेगा, वो कहाँ से करेंगे, कर पाएंगे कंट्रीज। तो इसलिए ऑथर ने कहा कि एक आधी अधूरी चीज़ मानी गई, इसमें वेवर जो मिला केवल केवल वैक्सीन पर मिला, है ना। एंड वो भी मतलब EU और अमेरिका जैसी कंट्रीज जो थी वो फेवर में नहीं थी कि सारी चीज़ों में किया जाए। तो इंडिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज जो वाकई में डिजर्व करती है जिनकी बात सुना जाना, उनकी बात तो मानी नहीं गई। दूसरा ऑथर ने एग्जांपल दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है। ऑथर ने कहा कि भैया
आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ गुड्स और ये सब चीज़ें जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स जो होता है, उसमें 1998 से मोराटोरियम लगा हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए कि 1998 से मोराटोरियम लगा है, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगाया जाता है ना, उसको टैक्स नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे जो उसके ऊपर ये मतलब कि WTO ने इस पर मोराटोरियम लगा रखा था, अब ये जो मोराटोरियम है इसको अभी भी एक्सटेंड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ऊपर मोराटोरियम अभी भी लगा, मोराटोरियम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज रोकी गई है तो अभी भी रोकी जा रही है ना, दैट इज स्टॉप्ड इवन एज ऑफ नाउ, है ना, अभी भी इसके ऊपर उसको रोका गया है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, कुल मिलाकर के हुआ वही चीज़ कि जो इंडिया चाहता था कि भैया इसके ऊपर अब ऐसी सर्विसेज को भी वो टैक्स करना शुरू कर दें, है ना, दे शुड ऑल्सो बी एबल टू टैक्स दीज सर्विसेज एंड ऑल। अब ई कॉमर्स के लिए जो मोराटोरियम था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको टैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग कि यहाँ पे भी इंडिया की बात नहीं मानी गई, दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ नॉट बींग एक्सेप्टेड, ठीक है ना। डिजिटल कहाँ पे, यहाँ पे इतनी सारी डिजिटल इकोनॉमी थी जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता था, ई कॉमर्स इन के ऊपर अगर वो लगा सकते थे तो, है ना, कस्टम ड्यूटी टैक्सेशन में बोल रहा हूँ, एक्चुअली दैट इज द टर्म, एग्जैक्ट टर्म इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाने का जो फंडा है उसके ऊपर मोराटोरियम लगा दिया गया था 1998 में मोराटोरियम लगाया गया था, वो अभी 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दैट इज़ अगेन अ लॉस फॉर इंडिया। इसके अलावा इंडिया का जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का इशू था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो होती है उसको आप इलीगल नहीं घोषित कर सकते। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब जैसे इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो फार्मर से बाय करती है और अपने FCI के गोडाउन में रख लेती है, उसके बाद फिर सेल करती है ना, तो ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती है। और इसको भाई बहुत सारी कंट्रीज इसके फेवर में नहीं रहती हैं, तो अभी भी इसके ऊपर कोई हमको फुल प्रूफ हमको सिक्योरिटी नहीं मिली कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो इंडिया का ये इशू बिल्कुल डिस्कस ही नहीं हुआ, है ना, दैट वॉज अगेन अ मेजर इशू, मेजर ब्लो। तो ये सारे एडवांटेज जो है वो EU को मिले, इंडिया को नहीं मिले हैं। एडिंग डिजिटल लेयर्स ऑफ इंडिग्निटी, अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो डिजिटल लेयर्स आप ऐड कर रहे हो वो कुछ सही नहीं है। एग्जाम्पल ऑथर ने दो दिए हैं, पहला एग्जाम्पल ऑथर ने दिया ICDS का, यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये 1975 में लॉन्च हुई थी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ICDS का कि ये न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन चेक करता है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप, 0 से 6 साल तक के बच्चों में ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें चेक करता है, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर्स में, इनमें भी ये न्यूट्रिशनल फैसिलिटी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा 2013 में इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा बना दिया गया था, तो उसके बाद से और ज़्यादा राइट बेस्ड अप्रोच इसमें फॉलो हुई, मतलब एज अ राइट लोगों को ये मिल रहा है। अब ऑथर ने कहा कि 2021 में गवर्नमेंट ने पोषण ट्रैकर नाम का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करेगा ICDS की, पोषण ट्रैकर, ठीक है ना। तो पहला इशू ऑथर को पोषण ट्रैकर से, ऑथर का कहना है कि भाई पोषण ट्रैकर में उन्होंने कहा कि हम इसको कनेक्ट करेंगे किससे, आधार कार्ड से करेंगे। ऑथर ने कहा कि भाई देखो ऑलरेडी इंडिया में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, 0 से 6 साल के बच्चों का कहाँ आपको आधार कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया मदर का आधार कार्ड काफ़ी रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन में आप, मतलब जहाँ ऑलरेडी लोग इतना न्यूट्रिशन से परेशान है, जहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, सपोज़ करो वहाँ मदर के पास अगर आधार कार्ड अवेलेबिलिटी नहीं रही तो क्या आप उसको वो सुविधा प्रोवाइड नहीं कराओगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग विद ऑथर सेज कि भाई टेक्नोलॉजी आप ऐड करते हो जब, तो ये तो देख लो कि आप कहाँ ऐड कर रहे हो, किसके लिए ऐड कर रहे हो, मतलब दैट कैन बी मच मोर हार्मफुल देन द बेनिफिट्स, है ना, वो बेनिफिट से ज़्यादा हार्म प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज़ वन मेजर इशू विच ऑथर सेज कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि देखो दूसरा इशू जो है वो मनरेगा में है, मनरेगा में आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें कि क्या होगा, आपको दो बार अटेंडेंस देनी पड़ेगी, एक बार जब आप काम करने आएंगे, एक बार जब काम करके जाएंगे, है ना, जियो टैगिंग और ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी उसमें रखी गई है कि आपको फोटोज़ आप अटैच करके बता सको कि आपने कितना काम किया। अब ऑथर ने कहा ये भी प्रॉब्लमैटिक है भाई, मनरेगा
में जो महिलाएं काम कर रही थी वो काम इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उन्होंने काम किया फिर घर चली गई फिर आ गई फिर काम कर लिया जो भी ये सारी फैसिलिटीज कर सकती हैं। अब उनको क्या करना है कि डेली के डेली उनको दो बार अगर इसमें ऐप के थ्रू जियो टैगिंग के थ्रू आपको अगर करना पड़ेगा अटेंडेंस तो आपको मतलब कि मजबूरन सुबह भी वहां पर रहना पड़ेगा और सुबह से शाम तक आपको वहां रहना पड़ेगा। तो फिर आप बाकी के काम कब करोगे भाई? मन वहां ऐसा तो कोई है नहीं कि वो कोई जॉब है, वो है ना, कोई जॉब तो है नहीं। वो नॉर्मल आपको 100-150 रुपए 200 रुपए देने की एक वो है जिसमें कि आपको काम हाँ तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे होना चाहिए, उसमें आपके ऊपर इतनी ज्यादा मजबूरी नहीं, मतलब दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज बीइंग टेकन अवे बाय यूजिंग दीज एप्स एंड टेक्नोलॉजीज, है ना। तो इसमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रोल ऑफ वुमेन माइट डिक्रीज फर्दर, इसमें क्या होगा कि महिलाएं फिर कहाँ अफोर्ड कर पाएंगी दो बार जाना आना यहाँ से यहाँ तक काम करने जाना, काम करके फिर आना, फिर घर का भी काम करना, तो दैट माइट गो इन अ रिवर्स वे। तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज कर रहा है ये भी देखना चाहिए कि कितना ज्यादा वो यूजफुल हो रहा है ना। ऐसे में ये भी हो सकता है जैसे मनरेगा में ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों की अटेंडेंस ही नहीं सबमिट हुई। अब अगर अटेंडेंस सबमिट नहीं हुई तो उनके पैसे का नुकसान हुआ भाई, उनका तो पैसा नहीं मिलेगा ना। फिर ऐसे भी केसेस है जहाँ 1200-1300 रुपये इस लिस्ट केवल चले गए क्योंकि अटेंडेंस उनकी नोट नहीं हुई थी। क्या वो महिलाएं इतनी टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं कि वो अपनी अटेंडेंस सबमिट कर पाएं? सो ऑल दीज आर द इशूज विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगली जो प्रॉब्लम है वो है प्रिजन की और इन सब की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बेल जो है बेल प्रिजन की प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। देखो बेलेबल और नॉन बेलेबल जो वारंट, आप सबको पता होगा बेलेबल कुछ केसेस रहते हैं कुछ नॉन बेलेबल। तो बेलेबल जो रहता है उसका मतलब है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आपको बेल दे सकता है। तो पुलिस और जेल तो डिफरेंट है ना, पुलिस और जेल एक तो है नहीं। तो पुलिस जो है वो कई बार क्या करती है कि ऐसे मामले में जहां बेल दे सकती है वहां बेल नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और दैट इज द फर्स्ट इशू, ठीक है ना। या ये भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सब आते हैं, पुलिस आता है, जेल आता है, फॉरेंसिक आता है, प्रोसिक्यूशन आता है, जुडिशरी आता है, ये सारे आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा ऑथर ने प्रॉब्लम बताया, देखो आप प्रिजन की प्रॉब्लम देखो क्या है, बेचारे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं ज्यादा, तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग की समस्या आती है। ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है भाई प्रिजन में। अगर आप देखो ये स्टेट सब्जेक्ट है, प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रॉपर पैसा दे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रखे तो समस्या नहीं आएगी। बट अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 29,000 की कैपेसिटी है, 29,000 की कैपेसिटी में लगभग 50,000 बंदी रह रहे हैं। अब 50,000 और 29,000 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, समझिए आप लोग 21,000 का डिफरेंस है, मतलब 21,000 लोग ज़्यादा रह रहे हैं, है ना। तो दैट इज़ द बिग थिंग कि यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे भाई। तो दैट इज़ वन इशू। इसी से फिर हेल्थ हाइजीन के इशूज आते हैं। तो ऑल दीज अदर इशूज आर रिलेटेड टू दैट ओवर क्राउडिंग ओनली, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग से ही दूसरी समस्याएं जो हैं वो संबंधित है। दैट इज द इशू विच इज देयर, है ना। बेल की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रॉब्लम है कि क्यों बेल नहीं मिल पा रही है, क्या इशू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बातें हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन स्पोर्ट बॉडीज अंडर स्कैंडल्स एंड स्क्रूटनी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगा कि अभी फीफा जो अपना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे COA यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिया था, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगा दिया था और ये कहा था कि भैया आप जल्द से जल्द ये करो, आप वहाँ पे वोटिंग कराओ और जल्द से जल्द एक नई उसको सेलेक्ट करो, ठीक है ना। अगर उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नया कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं आता है और इलेक्शन नहीं होता है तो सितंबर 15 से पहले, तब तो फीफा इसको बैन कर देगा, तो फीफा का बैन इसको फेस करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अब ये जल्द से जल्द अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके इलेक्शन करवाएं, ठीक है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो बॉडीज हैं हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स बॉडीज, वहाँ पे काफी करप्शन के केसेस और काफी स्कैंडल स्क्रूटनीज और इन सब के अंदर वो फंसते जा रहे थे, है ना। सेम तो यही याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स कोड जो है उसको फॉलो नहीं करते, स्पोर्ट्स कोड वॉज बेसिकली इंट्रोड्यूस इन 2011, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स कोड जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया बोलते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसके कारण कि इन्होंने कहा था कि जो गुड प्रैक्टिस हैं मैनेजमेंट की ऑफ स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल वो सारी आप फॉलो कर लेना, है ना, तो आपको ऑटोनॉमी के साथ आपको करने दिया जाएगा बॉडीज़ को। बट कई बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि इनको फॉलो
नहीं करती है, स्पोर्ट्स कोड को फॉलो नहीं करती हैं, इस कारण से फिर वहाँ पे फिर सीओ यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगा दिया जाता है। जब वो कोड नहीं फॉलो करेंगी तो वहाँ पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगा दिया जाएगा। अब फीफा ने ये कह दिया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अगर अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके इलेक्शन जल्द से जल्द नहीं कराते हैं तो इसको हम फिर डी रजिस्टर कर देंगे यानी बैन कर देंगे, ठीक है ना। स्पोर्ट्स कोड का बेसिकली याद रखेगा, और इन बॉडीज़ में करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। द चैलेंज ऑफ फाइबराइजेशन अहेड ऑफ इंडियाज़ 5G डिप्लॉयमेंट। अब आपको पता है कल जो है वो 5G का ऑक्शन शुरू होने वाला है ना, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर 5G ऑक्शन। अब 5G ऑक्शन तो होने वाला है, इंडिया में 5G आने वाला है, लेकिन उसके पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीडेड है क्या वो हमारी कंट्री में है या नहीं, तो इसको ऑथर ने यहाँ बताया। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया जो ऑप्टिकल फाइबर की समस्या है, तो ऑथर ने कहा इसको फाइबराइजेशन का नाम दिया है। प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर, जो रेडियो टावर्स हैं उनको एक दूसरे से जब हम ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम फाइबराइजेशन बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट फाइबराइजेशन। जो टावर्स हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने को ही प्रोसेस जो है फाइबराइजेशन कहलाती है। अब ऑथर ने कहा भैया इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फाइबराइजेशन है नहीं, ठीक है ना, और इस कंपोनेंट को बोलते हैं बैक हॉल। बैक हॉल इज़ द कंपोनेंट ऑफ द लार्जर ट्रांसपोर्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। बैक हॉल क्या है, ये वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। डेटा को नेटवर्क तक अलग अलग नेटवर्क अक्रॉस द नेटवर्क में ट्रांसफर करना बैक हॉलिंग कहलाता है, ठीक है ना, इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में ऑप्टिकल फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और अगर आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर्स में लॉस कम होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन वही है इंडिया में अभी भी जो कवरेज है ऑप्टिकल फाइबर्स का वो बहुत कम है। हालांकि इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम लगाए हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो गया, आप इस भारत नेट हो गया जिसमें पंचायत को, ग्राम पंचायत को भी जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन स्टिल द प्रोपोगेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी लेस। यहाँ पे देखो लिखा है इंडिया को अगर 5G में ट्रांजिशन करना है तो 16 times मोर फाइबर विल बी नीडेड, 16 times मोर फाइबर विल बी नीडेड। करेंटली ओनली 33% ऑफ द टावर्स आर फाइबराइज इन इंडिया। इंडिया में केवल 33% टावर्स हैं जो कि फाइबराइज हैं अभी, और वहीं पे अगर हम साउथ कोरिया में देखें तो 65-70% है, US में देखें तो 80-90% है, जापान एंड चाइना में हम देखें तो और ज़्यादा, मतलब जापान चाइना में भी 80-90% के आसपास है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। और इसके अलावा अगर हम देखें कि फाइबर किलोमीटर, मतलब फाइबर पर किलोमीटर की अगर हम बात करें, पर कैपिटा की अगर हम बात करें, तो इंडिया में काफ़ी लो है। आइडियली एक कंट्री में 1.3 किलोमीटर ऑफ फाइबर पर कैपिटा होना चाहिए, 1.3 किलोमीटर ऑफ फाइबर पर कैपिटा होना चाहिए। इंडिया में ये केवल 0.09 है, आप सोच सकते हैं कितना कम है। जापान में ये 1.35 है, US में ये 1.34 है, चाइना में ये 1.3 है। तो चाइना, US, जापान ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब पर कैपिटा जो फाइबर वहाँ पे है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, इंडिया में जितना होना चाहिए उतना भी नहीं, उसका उससे उसका मतलब कितना ज़्यादा कम है यार, उससे 10 गुना से भी ज़्यादा कम है। वही इसलिए बोला कि 16 times और चाहिए रहेगा, है ना। एंड देर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द डेटा कैपेसिटी इन द फाइबराइज टावर। जो डेटा कैपेसिटी है फाइबराइज टावर्स में वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है ना। और जो टावर साइट्स हैं उनको हम बोलते हैं, जब टावर साइट्स जो जिनको फाइबर से कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं फाइबर पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, फाइबर पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। तो फाइबर पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत है इंडिया में, जो कि कम है अभी, है ना। फाइबर पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत है जो इंडिया में, जो कि अभी कम है तब जा करके। अब चैलेंजेस क्या है, जैसे राइट ऑफ वे, इंडिया में भैया वही नहीं मिलता कि ओवरहेड टावर अगर निकालने हैं तो जो रूल्स फॉलो करने हैं वो रूल्स इतने कम्बरसम है कि वो रूल्स ही फॉलो नहीं हो पाते, ठीक है ना। मनी, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, पैसा लगा कहाँ कौन रहा है ना, दैट इज़ द अगेन अ इशू, ठीक है ना। फिर भारत नेट और ये स्मार्ट सिटीज़, ये सब प्रोजेक्ट चल तो रहे हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। जो स्पीड है डेली वो लगभग 1251 किलोमीटर लगनी चाहिए, डेली 1251 किलोमीटर फाइबर लग जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो लगभग 350 किलोमीटर पर डे ही लग पा रहा है। तो दैट इज़ अगेन इशू जो कि इंडिया में चल रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, और ये सब जब तक समस्याएँ सॉल्व नहीं होती तो बहुत मुश्किल है कि हम 5G और इन सब में ट्रांजिशन प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा।
आगे आप मूव कर सकते हैं मेरे साथ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। 5G ऑक्शन कल से स्टार्ट हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डिजिटल ज्योत ग्लोज ब्राइटर विद एवरी ट्रिब्यूट पोस्टेड। तो यहाँ पर डिजिटल ज्योत जो है वो एक बीम ऑफ लाइट है विच इज़ इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट एट सेंट्रल पार्क, है ना, सेंट्रल पार्क न्यू दिल्ली में इसको लगाया गया है, जो कि ट्रिब्यूट दे रही है फ्रीडम फाइटर्स को। और जैसे जैसे इसमें ट्रिब्यूट के लिए मैसेजेस आएंगे वैसे वैसे ही और ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। 2500 आई थिंक कि कितना तक जाएगा इसका, देर इज़ अ थिंग ऑल्सो, ये और ज़्यादा ब्राइटर होती जाएगी। और जैसे जैसे आप इसमें मैसेज भेजेंगे ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। और अपने फुल 2500 वाट अपना जो फुल ग्लो है वो 2500 वाट का है। अभी ये 800 वाट तक ग्लो इसका पहुंचा है। डिजिटल ज्योत याद रखिए, नाम याद रखिएगा, डिजिटल ज्योत, है ना। आपसे कोई पूछे कि भैया क्यों न्यूज़ में था, तो ये ट्रिब्यूट देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को, ठीक है ना। स्टडी ऑन स्नो लेपर्ड्स एंड इट्स प्रे। तो एक रिसेंटली स्टडी की गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड स्टडी जिसमें उन्होंने स्नो लेपर्ड को स्टडी किया है, ठीक है ना। स्नो लेपर्ड को स्टडी किया, इसका मतलब क्या हुआ, स्नो लेपर्ड क्या है, पैंथेरा उन्सिया, क्या बोलते हैं, पैंथेरा उन्सिया बोलते हैं इसको, और इसको स्टडी किया गया है। अब इसमें स्टडी उन्होंने इसको किया प्लस प्रे को किया है, जिसमें ये पता लगा है कि स्टडी हैज़ फाउंड दैट कि जहाँ पे इसके प्रे ज़्यादा हैं अगर प्रे होंगे तो ये स्नो लेपर्ड भी होगा, और अगर स्नो लेपर्ड ज़्यादा हैं तो प्रे कम होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ ऑब्वियसली बात है जो नॉर्मल होना चाहिए वही चीज़ है, इसके अलावा और कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जो इन्होंने बताई है। ये स्टडी हुई है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के अंतर्गत, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, और इन्होंने स्ट्रॉन्ग लिंक बताया है हैबिटेट विच इज़ यूज बाय स्नो लेपर्ड एंड इट्स प्रे, जो कि इसके प्रे कौन कौन से हैं, साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शीप, साइबेरियन आइबेक्स एंड ब्लू शीप। वी फाउंड दैट द स्नो लेपर्ड डिटेक्शन पॉसिबिलिटी वॉज हाई इफ़ द साइट वॉज यूज बाई इट्स प्रे स्पीशीज, अगर कोई साइट उसके प्रे स्पीशीज द्वारा यूज़ हो रही है तो वहाँ पर हाई चांसेज हैं कि वहाँ पर आपको मतलब कि ये मिल जाए, ठीक है ना, कौन मिल जाए, आपका स्नो लेपर्ड मिल जाए। और अगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं साइड पे बहुत ज़्यादा स्नो लेपर्ड है तो वहाँ पे साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग विच इज़ देयर। अब थोड़ा सा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये वल्नरेबल क्लासीफाइड है IUCN के अंतर्गत, स्नो लेपर्ड जो है वल्नरेबल है IUCN के अंतर्गत, और ये शेड्यूल 1 में आता है स्पीशीज़ ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, शेड्यूल 1 में आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका हैबिटेट बताऊं तो स्नो लेपर्ड्स बेसिकली माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के। इंडिया में अगर इनकी ज्योग्राफिकल रेंज बताई जाए तो ये बेसिकली वेस्टर्न हिमालयाज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन्स को कवर करते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज के, वेस्टर्न हिमालयाज के। तो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। पोप अराइव्स इन कैनेडा टू अपोलोजाइज टू इंडिजिनस ग्रुप्स। तो ये आपको पता होगा कि कैथोलिक रेजिडेंशियल स्कूल्स का बीच में एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया था जिसमें कि सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था बच्चों को हेडमास्टर्स और टीचर्स के द्वारा, उनकी बहुत सारे बच्चों के कंकाल और डेथ डेड बॉडीज़ मिली थी। तो पोप फ्रांसिस हैव अराइव्ड टू कैनेडा वेयर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू पर्सनली अपोलोजाइज टू इंडिजिनस सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज़ कमिटेड ओवर अ स्पैन ऑफ डिकेड्स एट रेजिडेंशियल स्कूल्स रन बाय कैथोलिक चर्च। तो वहाँ पे कैथोलिक चर्च के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते थे उनमें जो इश्यूज हुए हैं उनको ही उनके लिए सॉरी बोलेंगे पोप, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ है चाइना लॉन्चेस सेकंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। तो चाइना ने अपना सेकंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, है ना। 3 मॉड्यूल लॉन्च करने हैं उनको, उनमें से सेकंड इन्होंने लॉन्च किया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए वेंशियन इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना। वेंशियन क्या है, क्वेस्ट फॉर हेवंस लेबोरेटरी मॉड्यूल है जो कि लॉन्च किया गया है। एंड लॉन्ग मार्च 5B इन्होंने यूज़ किया है। और वेंचांग स्पेस लॉन्च सेंटर है जो कि सदर्न आइलैंड ऑफ हैनान में है, वेंचांग स्पेस सेंटर, वहाँ से वेंशियन लॉन्च किया था। वेंशियन अगर आपसे कोई पूछे क्वेस्ट फॉर द हेवंस ये किसका है, चाइनीज़ का सेकेंड मॉड्यूल्स है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड चाइना ने इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2021 में स्टार्ट किया था। एंड वेंशियन लैब मॉड्यूल याद रखेगा। इसके अलावा तीसरा जो मॉड्यूल है वो नाम है उसका नाम है मेंगशियन
ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस, ठीक है ना। तो तीसरा मॉड्यूल रहेगा मेंशन ड्रीमिंग ऑफ द हेवंस, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड ये आपको इसको पता होना चाहिए कि जो इसका स्पेस स्टेशन है, चाइनीज स्पेस स्टेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तियानहे के साथ ही लगेगा, डॉक में होगा तियानहे। तो पहला मॉड्यूल था जो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, पहला लगा हुआ था ऐसा, दूसरा अब ऐसा लग जाएगा, ठीक है ना। तो टी शेप्ड स्ट्रक्चर लग जाएगा, और कंप्लीशन जो स्ट्रक्चर का है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है हो जाएगा। एंड ये आपको याद रखना चाहिए कि ये स्पेस स्टेशन आज सेंजू 14, इसके स्पेस स्टेशन में सेंजू 14 मिशन कमांडर चेंगडोंग रहेंगे। सेंजू 14 ये था इनका, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।